तो पंजाब में आज से कैप्टन सरकार का समय शुरू हो गया है और राजभवन में एक सादे समारोह में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य की 117 में से 77 सीटों पर कांग्रेस की जीत में सिरमौर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले साल 2002 से 2007 तक राज्य की कमान उनके हाथ में थी। कैप्टन के साथ उनकी कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। कैप्टन के साथ ब्रह्म महेंद्र, नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत बादल, साधु सिंह, धर्मसोत, तृप्त राजेंद्र बाजवा, राणा गुरजीत सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तो अरुणा चौधरी और रजिया सुल्ताना ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। चंडीगढ़ के पंजाब राजभवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत ही सादा रखा गया था। कैप्टन के इस सादे शपथ ग्रहण का मकसद जनता के बीच ये संदेश देना था कि कांग्रेस सरकार किसी भी तरह की फिजूल खर्ची नहीं होने देगी। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया और मनप्रीत बादल को वित्त मंत्रालय, योजना और रोजगार मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लोकल गवर्नर, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। जो माफिया खड़े हो गए हैं पंजाब में, चाहे वो रेत का है, चाहे बजरी का है, चाहे केबल का है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे लिकर का है, ये जो माफिया हैं, इन माफिया और इनको तो कांग्रेस पार्टी की सरकार काट के रख देगी। और ये चाहे किसी बड़े आदमी के हैं, छोटे आदमी के हैं, गरीब के हैं, अमीर के हैं, कानून इसकी कोई तमीज़ नहीं करेगा। और जो कानून के शिकंजे में आ जाएगा, चाहे वो बादल है, चाहे कोई चपड़ासी है, इसका सरकार पे कोई असर नहीं है। दरअसल जो बॉटम लाइन है कांग्रेस की, कि यहाँ कानून का राज चलेगा। कैबिनेट मीटिंग होगी, उस कैबिनेट मीटिंग में ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वीआईपी कल्चर पंजाब में ख़त्म करने की जो बात कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इस पे तबादला ख्याल होगा और आपको कुछ खुशखबरी इस मसले पे सुनाऊंगा।